रमजान मुबारक। मुंबई और महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में डॉक्टर इतना जारी है। अभी सभी लोग मैं देखता हूं और उनकी रक्षा कौन करता है? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। यह फर्क है, यह फर्क है। वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको करके दिखाऊंगा।
शक्ति प्रोजेक्ट तैयार किया है। हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की आवाज, कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के अंदर पहुंचे। हम समझते हैं कि लाठी आप खाते हो, पोलिंग बूथ में आप लड़ते हो, बीजेपी का जो झूठ है उसके खिलाफ आप लड़ते हो और हम आपकी कठिनाइयां समझते हैं। और मैं आपको यह मैसेज देना चाहता हूं, ये पार्टी आपकी है, ये पार्टी आपकी है, नेताओं की नहीं है, आपकी है। और इस पार्टी में सबसे जरूरी जगह आपकी है, मगर आपकी भी एक जिम्मेदारी, विचारधारा की लड़ाई है और आप हमारी विचारधारा को बहुत अच्छी तरह समझते हो। सबको एक साथ ले जाना है, जैसे मुंबई देश को जोड़ती है वैसे कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है। देश को जोड़ने का काम करना है। जहां भी बीजेपी और आरएसएस के लोग आग लगाते हैं, नफरत फैलाते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सीधा पहुंचना चाहिए, कहता है हाँ ठीक है तुम नफरत फैलाओ, मैं प्यार फैलाता हूं, तुम आग लगाओ, मैं पानी डालता हूं। ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, आपके पास लिस्ट है 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम एक तरफ, दूसरी तरफ नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलना, ढोकला, राफेल डील, अमित शाह के पुत्र पीयूष गोयल, लिस्ट है आपके पास। अब आप जनता के बीच में जाइए, लिस्ट निकालिए और शुरू कीजिए, जनता को सच्चाई बताइए। ये हमारे जो मित्र खड़े हैं इनकी गलती नहीं, इनको डरा रखा है, देखो हंस रहे हैं, इनको डरा रखा है, मगर ये भी हमारे हैं, हमें इनकी भी रक्षा करनी है। और प्रेस के हमारे मित्र हैं, आप थोड़ा सा तो बोल दिया करिए, थोड़ा सा राफेल के बारे में, थोड़ा सा अमित शाह जी के बारे में, उनके पुत्र के बारे में, पीयूष गोयल जी के बारे में। मैं जानता हूं आपके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, आपके जो मालिक है उनके ऊपर भी दबाव पड़ता है, हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। तो मिलकर देखिए, आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये अभी चुनाव हुए, अभी एक साल बचा है, एक साल बचा है, अभी ये थोड़ा घबरा हुआ है, आस्ते आस्ते ये भी खुलना शुरू हो जाएंगे, 6 महीने में देखना ये बदल जाएंगे। और चुनाव के 2-3 महीने पहले इनकी बात करना, फिर पूरा पूरा बाहर आएगा, अमित शाह, पीयूष गोयल, प्राइम मिनिस्टर राफेल, सब कुछ बाहर आएगा। और मिलकर हम सब मिलकर, पूरा हिंदुस्तान मिलकर बीजेपी को चुनाव लड़ाएगा। तो आप दूर दूर से आए, दिल से आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। एक आखिरी बात मैंने सोची, मैं गहलोत जी से बात की कल, कांग्रेस पार्टी का नया ऑफिस बन रहा है दिल्ली में, मैंने सोचा कि आजादी के समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत बलिदान दिया, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए, नेता मारे गए, जेल में समय काटा, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में हमारे कार्यकर्ता मारे गए, पंजाब में
अपनी जिंदगी दी, अपना खून दिया। तो मैंने सोचा कि नए ऑफिस में हमें एक दीवार बनानी चाहिए और इस दीवार पे उन लोगों के नाम होने चाहिए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए और हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी। और शायद इस दीवार में या ऐसे भी लोग होंगे जिनके परिवार के लोगों का नाम उस दीवार पे होगा। आपने बलिदान किया है, आपके परिवार ने अपना खून पसीना दिया है। जब सावरकर की चिट्ठी लिख रहे थे, नहीं माफी मांग रहे थे, जब हाथ जोड़ के ऐसे माफी मांग रहे थे, मुझे माफ कर दो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जेल में समय काट रहे थे, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, ये फर्क है हमारे रूप में। हमारे लोगों ने कुर्बानी क्यों दी? हिंदुस्तान को बनाने के लिए दी, जोड़ने का काम किया। और आप लोग हर रोज ये काम करते हो। जब आरएसएस झूठ बोलता है, बीजेपी का वो कार्यकर्ता झूठ बोलता है, आप जाकर सच्चाई उसके सामने रखते हो, आप देश की सेवा कर रहे हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।